कैसे हो आप सब लोग। और हम दोनों की तरफ से आपको प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग और वेलकम माय यूट्यूब चैनल मनीषा राजू ब्लॉग में। और मेरे जो यूट्यूब फैमिली हैं उनको दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और आज हम बताएंगे आपको कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कहाँ से की थी, कितने दुख झेलने पड़े थे, कितनी हमको मुसीबत आई थी, कितना पैसा लगा, ये सब हमको आपको बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, बने रहिए हमारे वीडियो में दिल से। तो सबसे पहले बताएंगे हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे। तो मेरा तो 10th का मार्कशीट लगा था और आधार कार्ड, पैन कार्ड और 6 फ़ोटो। तो मनीषा जी का क्या क्या लगा था? आधार कार्ड, 6 फ़ोटो और मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र था तो लगा था, मेरे पास 10th की मार्कशीट नहीं थी। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, जन्म के तौर पे आपको कुछ लेके जाना, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि DOB के लिए उन्हें पैन कार्ड या 10th का मार्कशीट ही मान्य होगा। तो आप भी ध्यान रखें। और कहने का मतलब हम दोनों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तो जो हमारे गांव में मशीन है किसी को पता नहीं था, हम उस पर काम कर कर के पैसा इकट्ठा करने लगे। जैसे ही हमारे पास पैसा हुआ हम सीधा घर से कोर्ट मैरिज करके वापस घर आ गए थे। मैंने तो अपना सब कुछ ही बेच दिया था, मनीषा को पूछ लो जाए। हाँ, इन्होंने अपना 12,000 का मोबाइल बेचा और 10,000 की अपनी फेसबुक ID बेची, ऐसे 22,000 रुपये इन्होंने इकट्ठा किया और 5-7,000 रुपये मैंने भी दिया और ये भी कमाए। ऐसे करके हमको 30-40,000 रुपये बैठे थे कोर्ट मैरिज करने में। जैसे ही हमारे पास 30-40,000 रुपये हुए, जैसे ही हमने एक बुलेरो वालों को किया, उसने 9,000 रुपये ले लिए थे और वहाँ कोर्ट की फीस हमारी 17-18,000 रुपये लगी थी। तो हमारे पास फिर कुछ भी नहीं बचा था, फिर हम सीधा घर आ गए थे। जैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ 1-2 महीने बाद, तब हम घर से फिर चले गए थे। तो आप सभी को पता है, मेरे जो गांव के लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको धन्यवाद, और मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दे। और हमने कोर्ट मैरिज की थी, उसका प्रूफ एड्रेस है गाजियाबाद मॉडल टाउन दौलतपुरा से हमने कोर्ट मैरिज की है। और वहाँ सिर्फ 3 घंटे में हो जाती है। वहाँ पे मेरी सर्टिफिकेट प्लस आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट दोनों साथ ही मिल जाते हैं और 3 घंटे में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो बिंदास रहिए, जिसको भी कोर्ट मैरिज करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मनीषा जी का इंस्टाग्राम ID है, उस पर अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और जहाँ तक अगर हमारे रिप्लाई नहीं देते हैं तो इंस्टा पे किसी भी पोस्ट पे आप अपना नाम मेंशन करके हमको प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम खुद आपको कॉल या मैसेज करके बात करेंगे। जैसे ही हमारे घर पे प्रॉब्लम हुआ तो इनका फैमिली मेरा फैमिली इकट्ठा हो गया। तो जैसे ही हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, ना हमारे पास पैसे थे, मनीषा के पास सिर्फ 1500 रुपये थे, वो लेके हम सीधा हरियाणा चले गए थे। और वहाँ जाने तक हमारे पास सिर्फ 140 रुपये बचे थे। अनजान शहर था, बहुत डर था, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसको मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से दिल से धन्यवाद कहूँगा और मिस यू। और थोड़ी सी कुछ गलत फहमी की वजह से वो मेरे से थोड़ा बात नहीं करता है, वैसे मेरी जान के इसके बराबर मैं उसको चाहता हूँ, मेरा दोस्त है। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, उन्होंने मुझे कमरा दिलाया, उन्होंने मुझे 1 महीने तक का राशन, खाना पीना सब कुछ दिया। आई मिस यू। और हाँ, वो ना होता तो खास पता नहीं हम दोनों साथ होते, वरना आज हम कहीं मर जाते। और सीरियसली बता रहा हूँ, उस दोस्त ने मेरा, वैसे हम हरियाणा कम से कम 7 महीने रहे हैं और वहाँ पे मैंने फैक्ट्री में काम किया। और कहने का मतलब जो बेलदारी होती है, अपने लोग बोलते हैं कि लेबर, उसके साथ भी मैंने बहुत काम किया। मनीषा जी एक डॉक्टर वाली कंपनी में लगी हुई थी, दवाई वाली में। और हम दोनों कमा के जैसे ही हमारे पास थोड़ा पैसा आया हम जयपुर आ गए। उससे पहले हमको बहुत प्रॉब्लम हुई, हम हरियाणा से पुलिस के फ़ोन आ रहे थे, धमकियाँ आ रही थी। तो जैसे ही कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम सीधा लालसोट ले आए पुलिस वाले, वहाँ पे हमको भी बहुत प्रॉब्लम किया। तो अगले वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, पूरा प्रोसेस हमको कैसे प्रोसेस किया। और थोड़ा सा हम कोर्ट मैरिज का वीडियो आपको दिखा देते हैं, तो देख लीजिए। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप जिसको भी चाहते हो उसकी कसम है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
आप भी आपके घर में से जिससे भी ज्यादा प्यार करते हो आपको उसकी कसम है मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करें और लाल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद।